हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए पेपर 7। पहला प्रश्न, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? लासवेल ने, डेविड ईस्टर ने, लियो स्ट्रॉस ने या गार्नर ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डेविड ईस्टर साहब है। किसने? डेविड ईस्टर। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया राजनीति विज्ञान में? प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रासंगिकता का सिद्धांत किसने दिया? डेविड ईस्टर ने दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम ये किताब की रचना किसने करी? रॉबर्ट डॉक, डेविड ईस्टर, पेरेटो या अर्नेस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना डेविड ईस्टर द्वारा की गई। किसके द्वारा? डेविड ईस्टर। यानी जो डेविड ईस्टर साहब है ना, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम नाम की किताब लिखी है। यानी राजनीति का सिस्टम किसने लिखा है? ईस्टर ने लिखा है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्राचीन यूनानी युग में राज्य को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में यूनानी युग है उसमें राज्य को क्या कहा जाता था? राष्ट्र, राज्य परिषद, नगर राज्य या कॉमनवेल्थ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सी आंसर हो जाएगा इसका, नगर राज्य। यानी जो यूनानी राज्य था उसमें राज्य यानी स्टेट को क्या कहते थे? उसको नगर राज्य कहा जाता था। क्या कहते थे? नगर राज्य कहा जाता था यूनानी युग में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शक्ति का अर्थ है मनचाहा प्रभाव पैदा किया जाना। शक्ति का क्या अर्थ है? मनचाहा प्रभाव पैदा किया जाना। ये कथन किसका है? लासवेल का है, ब्रेंटेंड रसेल का है, लियो स्ट्रॉस का है, गार्नर का? तो किसका हो जाएगा ये कथन? ये है ब्रेंटेंड रसेल का। रसेल साहब है ना, रसेल साहब, कौन से रसेल? ब्रेंटेंड रसेल। ये क्या कह रहे हैं कि शक्ति क्या होती है? कि जब चाहो जैसा प्रभाव बनाना हो वैसा बना दो, उसे शक्ति कहते हैं, है ना। वास्तविकताओं में तो शक्ति यही तो है कि आप जैसा प्रभाव बनाना चाहते हो आप वैसा प्रभाव बना देते हो। ये कथन किसका है? ये ब्रेंटेंड रसेल का है। और इसे रसेल, आंध्र रसेल से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो जब भी मेस में आता है अपने हिसाब से प्रभाव बना देता है ना, उसी प्रकार से शक्ति का अर्थ है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। तो ये ब्रेंटेंड रसेल ने कहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रभुता का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा है जो संप्रभुता का प्रकार नहीं है? प्राकृतिक, लोकप्रिय, वेद या नाम मात्र का? तो कौन सा होगा? तो इसका जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संप्रभुता नहीं होती, लोकप्रिय संप्रभुता होती है, वेद संप्रभुता भी होती है और नाम मात्र की संप्रभुता भी होती है, ये कहा गया है। लेकिन प्राकृतिक संप्रभुता नहीं होती इसके हिसाब से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संप्रभुता नहीं होती, है ना। एक बार इस प्रश्न को आप देख भी लेना, एक बार आपको अपनी बुक में आइडेंटिफाई करना है इस प्रश्न को और उसका उत्तर देखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, रोल्स की न्याय की धारणा क्या है? रोल साहब है ना, उनकी न्याय की धारणा क्या है? उपयोगितावादी है, समुदायवादी है, समाजवादी है, उदारवादी है? तो रोल साहब की जो न्याय की धारणा है वो कैसी है? वो समुदायवादी है। यानी रोल्स साहब की जो न्याय की धारणा है वो कैसी है? समुदायवादी न्याय की धारणा है। रोल्स है ना, रोल्स, उन्होंने कैसी न्याय की धारणा दी है? उन्होंने समुदायवादी न्याय की धारणा दी है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान की देन है? यानी जैसे हमारे संविधान में अनुसूचियां बनाई हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पे केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और उसमें लिस्ट दी हुई कि इन इन जो विषय है इन पे कानून बना सकते हो। हर सूची के विषय उसमें बताए गए हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा विषय हो जो इन तीनों सूचियों में ही शामिल नहीं है, उस परिस्थिति में इस प्रकार की जो विषय होगा उसे अवशिष्ट विषय होगा, है ना। और उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? वो केंद्र का होगा। यानी इस प्रकार से जो अलग से जो कानून विषय है उन पे कानून बनाने का अधिकार वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है और वो केंद्र के पास है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अपने कनाडा से ली है। कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से ली है? कनाडा से ली है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यानी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इनमें से कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दादाभाई नेहरू जी, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? इसका आंसर क्या होगा? जो अंबेडकर साहब है ना, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना।
अंबेडकर साहब है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन से शामिल नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, शक्ति पृथक्करण या कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो देखो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल है, यानी भारतीय संविधान किसी एक धर्म का पोषण नहीं करता, संविधान के लिए सारे धर्म बराबर है, है ना, वो किसी धर्म के साथ ऐसा नहीं विशेष बर्ताव नहीं करता है, संविधान के लिए सारे धर्म इक्वल है ना। दूसरा समाजवादी राज्य, बिल्कुल भारत का संविधान समाजवादी राज्य की प्रकल्पना करता है, बिल्कुल करता है, तो ये विशेषता है। और कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, यानी भारतीय संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, इसमें परिवर्तन करना मुश्किल भी है और कहीं कहीं परिवर्तन करना सरल भी है, है ना। जैसे आर्टिकल 368 में संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं, है ना, तो उसमें एक तो विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, है ना, तो वो आधे राज्य की सहमति वाला थोड़ा टफ हो जाता है, है ना, तो उस प्रकार से वहां संविधान में संशोधन करना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कठोर भी है और लचीला भी है, तो ये समन्वय है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, यानी संविधान सभा में कौन सी वो देशी रियासत थी जिसके कोई प्रतिनिधि ने भाग लिया ही नहीं, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा में जो कश्मीर रियासत थी उसके किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। किस रियासत का, कश्मीर रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग लिया ही नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर, है ना। भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका कैसे है, स्वतंत्र है या केंद्र के अधीन है, संसद के अधीन है या राष्ट्रपति के अधीन है। तो देखो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, और स्वतंत्र कैसे है, फिर ये पावर कहाँ से लेती है, संसद नहीं देती, केंद्र नहीं देता, राष्ट्रपति नहीं देता, तो ये पावर सीधे संविधान से ग्रहण करती है और ये अपने आप में स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है और ये संविधान की संरक्षक भी है। अगर संविधान का अतिक्रमण करने का अगर राज्य प्रयास करे तो उसको भी ये नुल एंड वॉइड घोषित करने की क्षमता रखती है। तो न्यायपालिका किस प्रकार है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं, 23, 24, 24, 25, 26, 27 या 27, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है ना, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। समान नागरिकता संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, यानी समान नागरिक संहिता, यानी जितने भी कानून होंगे वो हर व्यक्ति के लिए इक्वल होंगे, ये वर्तमान में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो धर्म के हिसाब से बनाए गए हैं, तो हर नागरिक पे वो कानून लागू नहीं होते। लेकिन हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कहा गया है कि राज्य जब भी सक्षम होगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होगी, तो राज्य का यह दायित्व होगा कि वो समान नागरिक संहिता बनाए, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून लागू हो। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ये आर्टिकल आर्टिकल नंबर जो 44 है ना, वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान में देखो दोनों इसके जो लेटर हैं 44 दोनों समान है ना, इस प्रकार इसको आप रिलेट कर सकते हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री में शिक्षा, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86, 84, 100 या 89। तो जो हमारा आर्टिकल 21 ए है उसको जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, यानी एक प्रकार से यूं कहे शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, है ना, आर्टिकल 21 ए के माध्यम से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया, यानी न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कौन थे, पीएन भगवती साहब थे, रंगनाथ मिश्र थे, एम हिदायतुल्ला थे या वी चंद्रचूड़ थे, कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एम हिदायतुल्ला साहब है ना वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे, मुख्य न्यायाधीश थे,
जो जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, किसने? एम हिदायतुल्ला साहब ने, है ना। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, वास्तव में ये मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम हिदायतुल्ला साहब, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन माने जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बिठाया जाता है ना, और प्रस्ताव वहाँ पे जो पारित किए जाते हैं, तो उस प्रकार के अधिवेशन को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के अधिवेशन को बुलाने की पावर किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, लोकसभा अध्यक्ष के पास में, या उपराष्ट्रपति के पास में? तो ऐसी पावर होती है अपने राष्ट्रपति साहब के पास में। यानी अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो ये पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभाव में रहता है? यानी राष्ट्रपति साहब ने अध्यादेश जारी कर दिया आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। अब वो अध्यादेश है ना, वो कितने टाइम तक प्रभाव में रहेगा, इफेक्ट में रहेगा? 1 माह, 2 माह, 6 माह, या 6 माह, या संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी जो राष्ट्रपति साहब जो अध्यादेश जारी करते हैं, है ना, वो मैक्सिमम 6 माह के लिए, 6 माह और 42 दिन के लिए वैलिड हो सकता है। कहने का तात्पर्य होता है कि अगर संसद का अधिवेशन चालू हो गया, ठीक है, तो संसद के अधिवेशन चालू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो या तो पास होना चाहिए या उसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो फिर वो शून्य हो जाएगा, नूल एंड वॉइड हो जाएगा। हालांकि उस नियम के तहत किए गए कार्य शून्य नहीं होंगे, वो उस स्थिति से निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। और ये या फिर 6 माह के अंदर जो भी पहले होगा ना, उसके अंदर उस अवधि तक राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, वो प्रभावी रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जा सकता है? लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, संसद के किसी भी सदन के सदस्य को, या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संसद का सदस्य है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है ना, तो उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में उन राष्ट्रपति साहब को ऐसा लगता है कि इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर कोई व्यक्ति नहीं है उस समय राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य, तो उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है, कितने? 6 माह के अंदर अंदर, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? जो ग्वादर बंदरगाह है ना, जो काफ़ी चर्चा में रहता है, न्यूज़ में रहता है, उसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? नेपाल में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है? तो ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये देखो हमारे सामने अपना एशिया का मैप आ गया है, और इसमें देखो ग्वादर बंदरगाह को देख लेते हैं। तो ये तो अपना प्यारा भारत हो गया, देखिए, है ना, ये तो अपना भारत हो गया, ठीक है। ये मतलब पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान के जो साउदर्न साइड है, अरब सागर वाली साइड में, यहाँ पे ये बिंदु, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है। और ये ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर कौन रहा है? तो ये चाइना है ना, ये ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, ताकि ये जो सिल्क रूट वाला सिस्टम था इसका, तो इसने एक समुद्री सिल्क रूट बनाने का भी प्रयास किया है, और उसी का हिस्सा इसने ग्वादर पोर्ट को बनाया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? जो लिट्टे है ना, वो कौन से देश का आतंकवादी संगठन है? नेपाल का, चाइना का, श्रीलंका का, या पाकिस्तान का? तो लिट्टे सबको पता है कि श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, और लिट्टे के बारे में तो आपको पता ही है। ये सामने जो पिक्चर आ रही है प्रभाकरण की है, राजीव गांधी को मरवाने में इसका भी योगदान था, यूँ कह सकते हैं। और ये प्रभाकरण है ना, ये वो लिट्टे का हेड था, यानी चीफ था। और लिट्टे क्या है? LTTE, पर LTTE का मतलब क्या होता है? लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन
किसका है? मैं ही राज्य हूँ, अहम ब्रह्मास्म नहीं, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14, 15, 16 या 17? तो यह किसने कहा था? तो लुई 14 है ना, उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, उसने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया था। कौन था वो? लुई 14 था। अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रांस में पार्लमा क्या थी? फ्रांस के अंदर पार्लमा किसे कहा गया? फ्रांस की राजस्व परिषद, राज्य परिषद, न्यायपालिका या ग्राम सभा? तो फ्रांस में पार्लमा किसे कहते थे? जो वहाँ की न्यायपालिका यानी जो अदालत होती थी ना, कोर्ट होता था, उसे पार्लमा कहा गया है फ्रांस में, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रांस की क्रांति में आतंक का राज्य कब से कब तक रहा? फ्रांस की क्रांति में आतंक का राज्य रहा कब से कब तक रहा? 1791, 1792, 1793, 1794, 1793 या फिर 1595-1596? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1993 से 1994 तक, यानी इन सालों में फ्रांस में आतंक का राज्य रहा। आतंक का राज्य माने उस समय फ्रांस में जबरदस्त नरसंहार हुए, लाखों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों लोगों को, और मौत देने का तरीका इस तरह से निकाला गया। एक शब्द प्रचलन में आता है, गिलोटिन। गिलोटिन क्या होती है? गिलोटिन एक हथियार होता है, उसमें ब्लेड लगी होती है और एक ऐसे खंभे पे खड़ा कर दिया जाता है और नीचे व्यक्ति को इस प्रकार लेटा दिया जाता है और फिर वो ब्लेड ना नीचे आती है और धड़ से आके टकराती है और फट आदमी का खात्मा कर देती है सेकंड्स में, जिसमें क्या मौत आसान हो जाती है, मौत उतनी दर्दनाक नहीं रही। और इस प्रकार एक उस समय जो चर्चा में रहा था मैक्स मिलन रोबस्पियर, इतना खतरनाक बंदा था ना, उसने लाखों लाखों लोगों को उस समय उसने फ्रांस में मौत के घाट उतरवा दिया था। तो ये कब था, ये आतंक का राज्य कब था? ये 1793 से लेके 1794 के टाइम पे रहा था। बाद में जिस गिलोटिन से जो मैक्स मिलन रोबस्पियर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, वो भी इस गिलोटिन के भेंट ही चढ़ गया था, है ना। इसके बारे में कभी हम वीडियो बनाएंगे 5-7 मिनट का, जिसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कौन था मैक्स मिलन रोबस्पियर। अगले प्रश्न में चलते हैं। रोबस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखे सोता था? यानी जो मैक्स मिलन रोबस्पियर था वो एक ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखे सोता था। देखो तो कौन सा ग्रंथ था? सामाजिक संविदा, फाइस के खत, नवल हल हाउस या फिर लुई 14 का इतिहास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रोबस्पियर सामाजिक संविदा नाम की एक बुक को अपने मतलब सिरहाने रखे सोता था, है ना, अपने तकिए के नीचे रखे सोता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? 1770, 1772, 1766 या 1765? तो बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था? तो बोस्टन हत्याकांड 1770 में हुआ। कब हुआ? 1770 में, 1770 में बोस्टन हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थॉमस पेन ने करी, हैरिंगटन ने करी, मिल्टन ने करी या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी? तो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। किसने करी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। और अमेरिका में जो डॉलर के नोट होते हैं ना, डॉलर के नोट होते हैं, तो उन पे भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का चित्र बना होता है ना, कभी आपने इसको गौर किया होगा तो देखा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस की संधि के समय ब्रिटिश पीएम थे, जब पेरिस की संधि हुई थी, है ना, उसमें ब्रिटिश के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एडम था, पिट था, किंग जॉर्ज था या सेल्बर्न साहब थे? कौन थे? तो पेरिस की संधि के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? सेल्बर्न थे। और ये पेरिस की संधि हुई कब थी? तो 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई थी, और उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? सेल्बर्न थे। कौन थे? सेल्बर्न, है ना, ये ब्रिटेन के उस समय पीएम थे। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़े हुए? यानी बाकी तो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन एक है जो गदर आंदोलन से नहीं जुड़े हुए। कौन थे? सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, भगत सिंह या भीकाजी कामा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भगत सिंह जी थे ना, वो नहीं जुड़े हुए थे। बाकी जो सोहन सिंह भाकना साहब, वो जुड़े हुए थे गदर पार्टी से या गदर आंदोलन से। लाला हरदयाल भी जुड़े हुए थे, और मैडम भीकाजी कामा तो बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लेकिन भगत सिंह साहब नहीं जुड़े हुए थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगत सिंह साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान की कुविख्यात जेल में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई? यानी वीर जो सावरकर साहब थे,
उनको अंडमान जेल में भेज दिया गया आजीवन कारावास के तौर पे 1911 में। तो उन्होंने कौन सा कांड किया था? अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र या लाहौर षड्यंत्र? तो ये कह रहे हैं जो नासिक षड्यंत्र है ना, उसका संबंध सावरकर साहब से था, है ना, और उस नासिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही उनको अंडमान जेल में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मई 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले गए भारतीय प्रवासियों के उतारने के लिए किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए? यानी 1914 में एक जहाज कुछ भारतीय प्रवासियों को लेकर कहाँ पहुँचा? जापान पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा? जापान, कनाडा पहुँचा, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने क्या किया, वहाँ भारतीयों को वहाँ उतारने से मना कर दिया। मतलब बहुत सारे लोग थे लेकिन गिनती के लोगों को ही उतारा उन्होंने। फिर ये जहाज वापस भारतीय मतलब वहाँ पे आया, जो भारतीय तटीय क्षेत्र पे आया, फिर अंग्रेज अधिकारियों ने इनके साथ बदसुलूकी की। तो ये प्रकरण काफ़ी मतलब चर्चा में रहा था उस समय। और ये घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और कहाँ गया था ये जहाज़? तो एक कनाडा गया था। गांधी जी का दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और ये दांडी मार्च का संबंध कौन से आंदोलन से था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कूका आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था ना, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया गया? 1929, 30, 31 या 32? तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था वो 1929 में किया था, 1930 में किया था, सॉरी 1930 होगा ये। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया और संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, है ना। कब? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में चालू कर दिया था, है ना। कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने कौन से आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा? गांधी जी ने कौन से आंदोलन को अराजकता का व्याकरण कहा था? दांडी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या सहयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, जो दांडी यात्रा के बाद उन्होंने शुरू किया था, उसको अराजकता का व्याकरण कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो ये 31 दिसंबर 1931 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी लाहौर अधिवेशन की? तो नेहरू साहब ने करी थी। 29 होना चाहिए, पता नहीं कैसे 31 लिख रह गया। निम्न महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? यानी इनमें से कौन थे जो अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष हुई? नेली सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या कमला देवी चट्टोपाध्याय? तो जो एनी बेसेंट मैडम है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट मैडम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? जो कांग्रेस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम किसने सुझाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादाभाई नेहरू जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या महादेव गोविंद रानाडे ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नाम किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी साहब ने ये नाम दिया था। किसने दिया? दादाभाई नौरोजी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन? तो कांग्रेस दो गुटों में कब बट गई थी? तो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और उसमें कांग्रेस दो गुटों में बट गई, यानी कांग्रेस के दो अलग अलग गुट बन गए थे, है ना, सूरत अधिवेशन। बाद में लखनऊ अधिवेशन में इनकी 1916 में वापस दोनों गुटों में सहमति हुई थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद या वीडी सावरकर? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो वीडी सावरकर साहब है ना, इन्होंने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये 1857 की क्रांति के संबंध में था, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसने
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम के संकेत देती, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, वी डी सावरकर साहब ने कहा, या दादाभाई नौरोजी साहब ने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वी डी सावरकर साहब थे, इन्होंने 1857 के संग्राम को क्या कहा? सुनियोजित संग्राम कहा स्वतंत्रता के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को सर ह्यूरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है? यानी ह्यूरोज ने कहा कि 1857 की क्रांति में सबसे वीर और सबसे श्रेष्ठ कौन है? बेगम हजरत महल, तैता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ है रानी लक्ष्मीबाई, है ना। किसको सबसे श्रेष्ठ बताया? रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में सबसे बेस्ट बताया। किसने? ह्यूरोज ने बताया। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में सरणोबत क्या था? यह सरणबोध नहीं है, सरणोबत है ना। शिवाजी के प्रशासन में यह सरणोबत क्या था? सरणोबत क्या था? तो ग्राम मुखिया, पत्र व्यवहार, तो क्लर्क, पैदल सेना अधिकारी, राजस्व अधिकों के अनुरक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैदल सेना का अधिकारी। जो सरणोबत है ना, वो क्या होता था? सरणोबत, ये पैदल सेना का अधिकारी होता था, पैदल सेना का अधिकारी। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रशासन का काम कार्य करवाना और निर्धारित उद्देश्य को पूरा करना है। यानी प्रशासन का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? काम को पूरा करवाना, दूसरा निर्धारित उद्देश्य को पूरा करना। ये कथन किसका है? एलडी वाइट, हर्बर्ट साइमन, लूथर गोलिक या मर्सन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लूथर गोलिक। लूथर गोलिक ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? कार्य को पूरा करवाना और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रशासन का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो प्रशासन का लक्षण नहीं है? संगठन, समन्वय, असहयोग या निर्देशन? तो देखो, इसका ऑब्वियसली बात है, असहयोग प्रशासन का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि असहयोग होगा तो प्रशासन कैसे चलेगा? संगठन तो चाहिए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन असहयोग नहीं होगा। असहयोग की जगह ये सहयोग कह सकते हैं इसे। तो इसका आंसर नहीं है पूछा है, तो ये असहयोग हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन विद्वान कानून के विस्तृत क्रियान्वयन और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वयन को लोक प्रशासन मानता है? यानी कानून का क्रियान्वयन और क्रमबद्ध, यानी एक के बाद एक, इस प्रकार के क्रियान्वयन को लोक प्रशासन मानता है। कौन विद्वान है? एलडी वाइट है, वुड्रो विल्सन है, लूथर गोलिक या मर्सन है? जिसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन साहब। क्या कहते हैं कि कानून के विस्तृत क्रियान्वयन और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वयन को लोक प्रशासन कहते हैं, वुड्रो विल्सन साहब। लोक प्रशासन की विचारधारा है कैसी? किस प्रकार की विचारधाराएं होती है लोक प्रशासन की? परंपरावादी होती है, नव प्रतिष्ठित होती है, व्यवहारवादी होती है, सभी होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक प्रशासन की सभी विचारधाराएं होती है, यानी लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा भी होती है, नव प्रतिष्ठित विचारधारा भी है, व्यवहारवादी भी है, यानी सारी हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध लोक प्रशासन को परंपरावादी विचारधारा से है? यानी कौन से जो विद्वान है जो लोक प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? हेनरी फियोल, मुने और रिले, लूथर गुलिक और उर्विक, या ये सारे लोक प्रशासन ये परंपरावादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ये सारे है ना, ये परंपरावादी विचारधारा से जुड़े हैं। किससे? परंपरावादी या ट्रेडिशनल विचारधारा होती है ना, उससे जुड़े हैं लोक प्रशासन की। हेनरी फियोल भी है, मुने और रिले भी है, लूथर गुलिक और उर्विक भी है, यानी ये सारे हो जाएंगे। प्रशासनिक क्रियाओं में POSCORB शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? पोस्कोर्ब शब्द का प्रयोग किसने किया? लूथर गुलिक, एल उर्विक, हेनरी फियोल, मुने और रिले। तो ये लूथर गुलिक ने POSCORB शब्द का प्रयोग किया। किसने? लूथर गुलिक साहब ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्यक्रम मूल्यांकन हे पुनः निरीक्षण विधि है ना, PERT का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से देश में हुआ? कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए पुनर्निरीक्षण विधि होती है, इसे शॉर्ट में PERT कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले कौन से देश में हुआ? ये USSR, ब्रिटेन, USA या जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो USA है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें इस PERT विधि का सबसे पहले उपयोग हुआ था। कहाँ पे? USA में या अमेरिका में। हर्बर्ट साइमन को किस विषय में नोबल दिया गया था? हर्बर्ट साइमन नोबल प्राप्त कर चुके हैं, इनको कौन से सब्जेक्ट में नोबल मिला है? अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन या गणित? तो हर्बर्ट साइमन साहब को इकोनॉमी में नोबल मिला है। किसमें? अर्थशास्त्र या इकोनॉमी में इनको नोबल प्राप्त हो चुका है। मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, क्या? मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताई एडजियोनी,
लिंडब्लॉम या फिर द्रोर या साइमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमिताई एडजियोनी। अमिताई एडजियोनी साहब है ना, इन्होंने एक किताब लिखी है, क्या नाम है किताब का, अमिताई एडजियोनी साहब ने मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ए थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग है ना, ये अमिताई एडजियोनी साहब ने लिखी। ऑप्शन है मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान के जनक कौन है, मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान के जनक अमिताई एडजियोनी है, लिंडब्लॉम है, द्रोर है या साइमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमिताई एडजियोनी साहब ने मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान दिया है। किसने दिया है, अमिताई एडजियोनी साहब ने मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान दिया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उसका गठन कब किया गया, 2005 में, 8 में, 9 में या 10 में। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया, कब किया गया, 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करवाने वाले अधिनियम को लागू करवाने हेतु किसने आंदोलन किया था, यानी सूचना का अधिकार लागू करवाने के लिए आंदोलन किया था ये किसने किया, अरुणा रॉय मैडम ने किया, भैरव सिंह जी साहब ने किया, वसुंधरा मैडम ने किया, सुषमा स्वराज जी ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अरुणा राय मैडम है ना, इन्होंने सूचना के अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है राजस्थान में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणा रॉय। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई, यानी राजस्थान के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कब करी गई थी, 1963, 1966, 1970 या 73, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1973। यानी राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई, ये 1973 में की गई, तो आईडी दुआ साहब है ना वो पहले लोकायुक्त थे, दुआ गुप्ता जोशी सिद्धू श्रीमाल कुदाल शर्मा दवे शर्मा जैन गुप्ता कोठारी, ये अब तक के वो जो अपने लोकायुक्त हुए हैं ना उनके नाम है ना, इस प्रकार आप इनको रट सकते हो, दुआ गुप्ता जोशी सिद्धू श्रीमाल कुदाल शर्मा दवे शर्मा जैन गुप्ता कोठारी, इस तरह से इनको दो दो तीन तीन के सेट बना के इनको रट सकते हो। राज्य में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कब किया गया, राज्य में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कब किया गया, 1959, 1961, 1963 या 1966, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया 1963 में, 1963 में राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया, कब किया गया, 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया। भारतीय प्रशासन में एक समस्या सदैव विद्यमान रही है, यानी भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसमें एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कौन सी है वो समस्या, अकर्मण्यता की है, कम वेतन की है, भ्रष्टाचार की है, पदोन्नति की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रशासन में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, और सही मायनों में बहुत बड़ी समस्या है ना, कौन सी है, भ्रष्टाचार की समस्या है ना। सैलरी होती है 25,000 और कमाते कितने हैं, 2,50,000, इन मतलब करोड़ों के बंगले ले रखे बंदे ने, अब भाई 25,000 में तो घर खर्चा नहीं चलता, बंगले कहाँ से बना रहे हैं, तो कारण क्या है उसका, तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो लोक सेवक होते हैं उनको सुरक्षा देता है, 315, 311, 14 या 19, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल 311 है ना वो लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल 311। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल कितने सदस्यों का होना चाहिए, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि जो लोकपाल नामक संस्था होती है ना वो एक सदस्य नहीं होके वो कितने सदस्य का होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, इसका आंसर हो जाएगा, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि जो लोकपाल संस्था है ना वो 3 सदस्यीय होनी चाहिए, कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय संस्था होनी चाहिए, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। विकास प्रशासन के उदय के साथ जिलाधीश बन गया, यानी पहले तो जिलाधीश वाला कॉन्सेप्ट अलग था लेकिन बाद में जो विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद जिलाधीश क्या बन गए, राज्य शक्ति का प्रतीक, सामान्य प्रशासन का प्रधान, विकास कार्यक्रमों का समन्वयक या विकास कार्यक्रमों का कार्यकारी प्रधान, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विकास कार्यक्रमों का समन्वयक। यानी जो जिलाधीश है ना अब जो विभिन्न विकास योजनाएं चल रही है उनका कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, जिलाधीश का है, जिले के लेवल पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य व केंद्रीय व्यवस्थापिका के अधिनियमों द्वारा उत्पन्न नहीं होता, यानी ये बाकी है ना ये तो या तो केंद्र सरकार के अधिनियम से बने हैं या राज्य सरकार के अधिनियम से बने हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो न तो केंद्र सरकार के अधिनियम से बना है ना राज्य सरकार के अधिनियम से बना, यानी अधिनियम से नहीं बना, तो नगर नियम तो बने, निगम तो बने हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति भी बनी है, नगर क्षेत्र समिति भी बनी है, लेकिन जो छावनी क्षेत्र है ना ये नहीं बने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
यूनानी दर्शन के विकास में निम्न में से कौन से युग देखे जा सकते हैं, यानी जो यूनानी दर्शन का विकास हुआ उसमें कौन कौन से युग देखे जा सकते हैं, सुकरात से पहले का युग, सुकराती युग या प्लेटो और अरस्तु का युग, तो ये सारे देखे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे देखे जा सकते हैं, क्योंकि देखो यूनानी दर्शन में सुकरात के पहले का काल भी था, सुकरात का काल भी था और सुकरात के बाद प्लेटो और अरस्तु का काल भी था, इस प्रकार ये यूनानी दर्शन के क्रम कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुकरात युग का प्रमुख दर्शन क्या है, जो सुकरात युग था उसका प्रमुख दर्शन क्या है, संदेहवाद, अज्ञेयवाद, संशयवाद या सारे। तो देखो संदेह कह दो, अज्ञेय कह दो, संशय कह दो, बात तो एक ही है ना, तो इस प्रकार ये सारे ही सुकराती युग के प्रमुख दर्शन है ना, संदेहवाद, अज्ञेयवाद, संशयवाद, तो सारे हो जाएंगे। ज्ञान और सद्गुण में कैसा संबंध है, जो ज्ञान होता है और दूसरा सद्गुण में कैसा संबंध है, अनिवार्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो देखो ज्ञान और सद्गुण में ना कैसा संबंध होता है, ज्ञान और सद्गुण में अनिवार्य संबंध भी होता है और तदात्म्य संबंध भी होता है। अनिवार्य तो क्या है, जो कर्ण होना आवश्यक है, यानी ज्ञान होगा तो सद्गुण होगा ही होगा, है ना, तो इनमें अनिवार्य संबंध तो है ही है, अनिवार्य तो है ही है। तदात्म्य संबंध, तदात्म्य संबंध का मतलब होता है इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा होना कि उनको अलग करना असंभव हो, उसे कहते हैं तदात्म्य। तो ज्ञान और सद्गुण में ऐसा संबंध बिल्कुल है, क्योंकि जो ज्ञानी होगा उसमें सद्गुण होंगे और जो जिसमें सद्गुण होंगे ऑब्वियस सी बात है वो ज्ञानी होगा ही होगा। तो इस प्रकार इसमें अनिवार्य संबंध भी है और तदात्म्य संबंध भी पाए देखा जा सकता है। निम्न में से किसने डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति का वर्णन मिलता है, यानी कौन सी बुक है जिसमें डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति का वर्णन मिलता है, थियोडाइस, डिस्कोर्स ऑन मेथड, बेकॉन्स ऐसे या प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डिस्कोर्स ऑन मेथड, यानी डिस्कोर्स ऑन मेथड है ना उसमें डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति का वर्णन मिलता है। किसकी, डेकार्ट साहब की दार्शनिक पद्धति का वर्णन मिलता है, किसमें, डिस्कोर्स ऑन मेथड में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, डेकार्ट की विधि का आधार क्या है, इंद्रियाजन्य ज्ञान, बुद्धि, अनुभव व बुद्धि दोनों या अंतः अनुभूति। तो डेकार्ट की विधि का आधार क्या है, डेकार्ट की विधि का आधार है अंतः अनुभूति। डेकार्ट की विधि का आधार क्या है, अंतः अनुभूति है ना, वो डेकार्ट साहब की विधि का आधार है। किसकी, डेकार्ट साहब की विधि का आधार क्या है, अंतः अनुभूति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संदेह विधि का आधार पर सर्वप्रथम सत्ता प्रमाणित होती है, यानी संदेह विधि के आधार पे सबसे पहले सत्ता प्रमाणित होती है, किसकी, संदेह की, संदेहकर्ता की, ईश्वर की या विश्व की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संदेहकर्ता की, यानी संदेह विधि के आधार पे सबसे पहले जो सत्ता प्रमाणित होगी ना वह संदेहकर्ता की होगी। सभी प्रत्यय जन्मजात है ये प्रतिपादित किया गया, सभी प्रत्यय होते हैं ना वो जन्मजात होते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया, डेकार्ट ने, स्पिनोजा ने, लेबनीज या लॉक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डेकार्ट साहब है उन्होंने कहा है कि सभी प्रत्यय ना वो जन्मजात होते हैं, किसने कहा है, डेकार्ट साहब ने कहा है। सुखवाद का आदि संस्थापक कौन था, सुकवाद का आदि संस्थापक हेराक्लिटस था, अरस्तु था, बेंथम था, अरिस्टिपस था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अरिस्टिपस साहब थे वो सुकवाद के आदि संस्थापक माने गए हैं। कौन, अरिस्टिपस साहब है ना सुकवाद के आदि संस्थापक, यानी सुकवाद के संस्थापक ये अरिस्टिपस साहब माने गए हैं। जिन नीति शास्त्रियों ने जीवन के अंतिम उद्देश्य को नैतिकता का चरम मानदंड माना है उनके मत को क्या कहा गया है, बाह्य नियमवादी, उपयोगितावादी, निष्प्रायोजनवादी या प्रयोजनवादी। तो इसका आंसर क्या बताया है, ऑप्शन डी, प्रायोजनवादी बताया है। क्या बताया है, प्रायोजनवादी, यानी जीवन के अंतिम उद्देश्य को नैतिकता का चरम मानदंड ये प्रायोजनवादी कहे जाएंगे। नैतिक सुखवाद कैसा होता है, वर्णनात्मक होता है, यथार्थपरक होता है, भावात्मक होता है या आदर्शपरक होता है। तो नैतिक सुखवाद कैसा होता है, नैतिक सुखवाद आदर्शपरक होता है। कैसा होता है, नैतिक सुखवाद आदर्शपरक होता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। स्वार्थवादी सुखवाद के दो भेद है, निकृष्ट और उत्कृष्ट। भारत में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक कौन है, यानी इंडिया में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक कौन है। तो देखो चार्वाक है ना वो भारत में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक है, कौन है, चार्वाक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चार्वाक। तो चार्वाक ने क्या क्या कहा है कि जब तक जियो घी पियो, चाहे उधार मांग के ही पियो, है ना, तो मतलब
उन्होंने वो क्या कहते हैं कि संसार के बाद लोग कहते हैं कि संसार अगला जन्म आपका अच्छा होगा। किसने देखा है भाई, आज तुम इतना परेशान हो रखे हो, है ना। तो ये चारवा कहते हैं पित्वा पित्वा घृतम पित्वा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कांट का नीतिशास्त्री विचार है, कांट का नीतिशास्त्री विचार कैसा है? विकासवादी है, दार्शनिक अंत अनुभूतिवादी है, अंत अनुभूतिवादी है, अनुभववाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट का नीतिशास्त्री विचार है ना वो दार्शनिक अनुभूतिवादी है। कैसा है, कांट का नीतिशास्त्री विचार दार्शनिक अंत अनुभूतिवादी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कांट को क्या स्वीकार्य नहीं है, यानी कांट साहब क्या स्वीकार नहीं करते, संकल्प स्वतंत्रता, नैतिक बुद्धि का होना, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कांट साहब है ना वो नैतिक बुद्धि का होना नहीं स्वीकार करते। नैतिक शुद्धिवाद के नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किसने किया, नैतिक शुद्धिवाद के नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किसने किया, कांट ने, हीगल ने, ग्रीन ने या बेडले ने। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कांट साहब है उन्होंने नैतिक शुद्धिवाद के सिद्धांत नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया। किसने, कांट ने किसका, नैतिक शुद्धिवाद के नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नियतिवाद का समर्थन नहीं करता, यानी इनमें से कौन है जो नियतिवाद का समर्थन नहीं करते, प्रत्ययवाद, कारण कार्य नियम, सर्वेश्वरवाद या भौतिकवाद। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रत्ययवाद, यानी प्रत्ययवादी है ना वो नियतिवाद का समर्थन नहीं करते। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में उपयुक्त और निर्दोष सिद्धांत है, संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में उपयुक्त और निर्दोष सिद्धांत है, सर्वेश्वरवाद, आत्मनिर्धारणवाद, अनियतिवाद या नियतिवाद। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्धारणवाद। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया, संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में उपयुक्त और निर्दोष सिद्धांत कौन सा है, सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है संकल्प स्वतंत्रता के मामले में, तो आत्मनिर्धारणवाद। यानी कोई भी संकल्प लेना हो तो जो आत्मनिर्धारण है ना वो सबसे स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो वो सबसे बेस्ट होगा, यानी उपयुक्त और निर्दोष होगा, कौन सा, आत्मनिर्धारणवाद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज के वीडियो के 75 प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बताओ इस प्रकार से सीरीज चल रही है, और उनसे शेयर सब्सक्राइब करवाओ, है ना, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, और इस बार मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, कम से कम 12 घंटे आपको अपने स्तर पर पढ़ना है और 1 घंटे हमारे वीडियो को देखने, दोनों वीडियो देखने हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, है ना, तो उससे क्या 1 घंटे में दोनों वीडियो कवर हो जाएंगे। बाकी 13 घंटे पढ़ लोगे तो, और इन 15 दिन में अगर आपने अच्छा कर लिया तो यकीन मानिए आपको ये एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता।